नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चाई की खोज पर। बिग बॉस 16 में 29 जनवरी को रविवार का वार में जबरदस्त धमाल देखने को मिला। टीना दत्ता के एविक्शन के बाद प्रियंका चौधरी और अर्चना गौतम शिव ठाकरे और एमसी स्टैन को निशाना बनाती नजर आएंगी। वहीं शालीन भानोट, जो आज तक बीमार और डिप्रेशन में नजर आ रहे थे, अब ठीक से लगने लगे हैं। वह शिव और स्टैन के साथ बैठकर टीना का एविक्शन का मजाक उड़ाते दिखे। दिन 118 की शुरुआत प्रियंका और अर्चना से होती है, जो शिव ठाकरे स्टैन के बारे में बात करती नजर आती हैं। अर्चना और प्रियंका इनडायरेक्टली शिव और स्टैन पर कमेंट करती नजर आती हैं। अर्चना की एमसी स्टैन से लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई में प्रियंका कूद पड़ती है और लड़ने लगती है। अर्चना कहती है कि स्टैन साजिद की वजह से यहाँ तक आया है। उधर स्टैन प्रियंका के पास आते हैं और पूछते हैं कि जब झगड़ा नहीं है तो वह उनके और अर्चना के बीच क्यों कूदी। दोनों एक दूसरे पर गालियां देने और बदतमीजी करने का आरोप लगाते हैं। प्रियंका बहस के बीच सारे बोलती है तो शिव को लगता है उन्होंने साले बोला है। इसी पर बवाल मच जाता है। प्रियंका शिव पर बुरी तरह चढ़ जाती है। शिव वहां से चले जाते हैं और स्टैन से कहते हैं कि यहां से चलो, इनके मुंह ही नहीं लगना है। शिव शांत हो जाते हैं, लेकिन प्रियंका और अर्चना उन्हें उकसाती रहती हैं। शिव कहते हैं कि ये जो उनका प्रोवोकिंग का गेम है वो खेल रहे। इसके बाद शालीन के साथ प्रियंका अर्चना की बहस हो जाती है। किचन एरिया में अर्चना और प्रियंका शालीन के बारे में बात करती हैं। अर्चना कहती है शालीन ने 3 लड़कियों की घर में छवि खराब की और अपनी इमेज सुधार कर अच्छे बन गए। शालीन ये बातें सुन लेते हैं और वह किचन में आकर अर्चना से सवाल करते हैं। अर्चना से शालीन कहते हैं कि पीठ पीछे क्यों बोल रही हो। इसी बात पर प्रियंका और अर्चना का शालीन से झगड़ा हो जाता है। बहस के बीच अर्चना सौंदर्य का नाम घसीटती है तो शालीन भड़क जाते हैं। इसके बाद शो में शेखर सुमन एंट्री होती है। वह अपने अंदाज में बिग बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं। इसके बाद बिग बॉस ने शिव और प्रियंका को दी चेतावनी। बिग बॉस शिव और प्रियंका को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। बिग बॉस उनसे कहते हैं कि आप दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि आप दोनों हमारी बातों को ठीक तरीके से समझते हैं। कितनी बार बताया गया है कि ऐसी कितनी चीजें हैं जिसका इस घर में जिक्र नहीं करना है, जाति, धर्म, संप्रदाय और एक दूसरे के काम पर कमेंट करें, यह सही नहीं है। अगर कोई आप दोनों का नाम लेकर इस तरह की बातों को बढ़ावा देना चाहे तो आपस में लड़ने की बजाय शांत करें। बिग बॉस आगे बताते हैं कि किस तरह कई बार चीजों को गलत तरीके से लिया जाता है। वह बताते हैं कि जब प्रियंका अपना चेहरा सही करते करते कन्फेंसर रूम में आ रही थी तो सुम्बुल ने उनके लिए कहा कि देखो रोते हुई आ रही है, अब सिंपैथी कार्ड लेना है। बिग बॉस शिव और प्रियंका को समझाते हैं और फिर जाने के लिए कहते हैं सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हम ऐसी नई खबरें आप तक पहुँचा सकें।